अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज जो है कंपेयर करेंगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को बिटवीन, यानी कि इन दोनों के बराबर में, कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के क्या डिफरेंस बिटवीन है आपस में। इसका नंबर वन डिफरेंट जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि डिफरेंस राइट डाउन द डिफरेंट बिटवीन ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, या राइट डाउन द कंपैरिजन ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, या वो प्रोकैरियोट के अलग डेफिनेशन मांग सकते हैं जिसके अंदर आप एग्जांपल बता सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इससे पूरी आप एक डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है क्वेश्चन ज़्यादातर ये 100 में से 95% चांसेस है कि शॉर्ट में ही आएगा या फिर एमसीक्यू उसमें आ सकता है, सही है। तो शॉर्ट में अगर आएगा तो ये तीन नंबर का होगा, इनके आप जैसे कि तीन नंबर का होगा तो यानी आपको तीन से तीन पॉइंट लिखेंगे, अगर यह 0.5 का होगा तो आपको 6 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, इनके आपको कम से कम भी 6 पॉइंट्स इसके लाजमी याद करने हैं, चाहे इसमें से कोई से भी ले लें जौन से आपको ईजी लगे। मैं आपको बोलूँगी कि शुरू के 6 ले लें, शुरू के 6 जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं और बहुत ज़्यादा ईजी भी हैं, आप थोड़े से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप देखें कंपैरिजन करना, यहाँ इसकी चीज़ें बताई हुई कि किस चीज़ को हम कंपेयर कर रहे हैं इन दोनों के अंदर। सबसे पहले सेलुलर स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर यानी कि उनका स्ट्रक्चर, उनका ऊपरी मादा यानी कि उनका जो वो क्या कहेंगे उनकी शेप जो जिस बारे में वो बता रहे हैं वो ये है। एग्जांपल बताई गई कि भाई इनका एग्जांपल बताएं कि प्रोकैरियोट में कौन से आते हैं और यूकैरियोट में कौन से आते हैं। तो प्रोकैरियोट के अंदर बैक्टीरिया काइनोबैक्टीरिया आते हैं, जबकि यूकैरियोट के अंदर एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑलवेज वो ही आते हैं। न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस कैसा होगा प्रोकैरियोट में विदाउट मेम्ब्रेन, यानी कि उसके ऊपर जैसे कि मेम्ब्रेन चाहिए होगी, समझे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर ही हमें पता चला है न्यूक्लियस है क्योंकि इस पर एक मेम्ब्रेन चली हुई है और इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाएगा। अगर प्रोकैरियोट मेम्ब्रेन विदाउट मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा तो इस तरह का होगा कि हर चीज़ उसके अंदर जिसके अगर डीएनए होगा तो वो यूं तरह पूरा पड़ा हुआ होगा, लेकिन अगर वो प्रोकैरियोट बैक्टीरिया काइनोबैक्टीरिया का होगा तो वो क्या होगा, हर चीज़ उसके अंदर मिक्स होगी, हमें नहीं पता चल रहा होगा कि कहाँ न्यूक्लियस है, कहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम है, कहाँ से एग्जिट आउट हो रहा है, कहाँ से वो इन कर रहा है। इसके अंदर बैक्टीरिया और काइनोबैक्टीरिया के अंदर अलगाई, अमीबा, प्रोटोजोआ जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खासकर प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 1 बट नॉट 2 क्रोमोसोम, यानी कि उसके अंदर सिर्फ एक क्रोमोसोम होगा तो उसके अंदर वो भी जो है वो एक सही तरीके से नहीं होगा क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे आपको बताया कि एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज़म्स हैं और ये क्लोनी रखते हैं, यानी कि क्लोनी होते हैं, यानी कि ये वो वॉल बॉक्स वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो इसके अंदर क्रोमोसोम्स मोर देन 1 होंगे, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। नंबर ऑफ सेल कितने होंगे, यूनिसेलुलर, यानी कि सिर्फ एक सेल पर मेम्ब्रेन, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, इसके अंदर यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर यानी कि बहुत ज़्यादा सेल वाले भी हो सकते हैं, जैसे कि आप प्लांट्स को या एनिमल्स को आराम से देख सकते हैं, आपको कोई माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ये हमें देख सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा खासा बड़ा स्ट्रक्चर होता है उनका। स्ट्रक्चर कैसे बनता है, एक सेल से तो नहीं बनता होगा, हज़ारों मिलियन सेल जो है वो बनकर एक स्ट्रक्चर बनाते होंगे। ट्रू मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल एब्सेंस प्रेजेंट, लाइसोसोम्स एंड पेरोक्सिज़म्स प्रेजेंट्स एंड एबसेंट प्रेजेंस, माइक्रोट्यूब्यूल्स एबसेंट और रेयर प्रेजेंट, यानी कि यहाँ ये चीज़ें पाई जाती हैं, यहाँ ये चीज़ें नहीं पाई जाती, जैसे कि बोला ट्रू मेम्ब्रेन बाउंडेड यानी कि ऑर्गेनल्स जैसे कि हार्ट हो गया, जैसे कि हमारे अंदर की चीज़ हो गई, नालियाँ हो गई, नर्व्स हो गए, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है या कोई भी ऐसी अज़ा वो बाउंडेड होगी, इन्होंने बोला यहाँ बाउंडेड नहीं होगी क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यहाँ प्रेजेंट होगी क्योंकि यहाँ बाउंडेड होगी। लाइसोसोम्स ये हैं, लाइसोसोम्स जो है गोल्जी बॉडी होती है जिसके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव ऑर्गेन एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स आपको पता है एंजाइम्स से कैसे कैटलिस्ट, केमिस्ट्री में आप उसे कैसे कैटलिस्ट पढ़ेंगे और
और जो है आप बायोकेमिकल से एंजाइम्स करेंगे, ये जो है एक केमिकल होता है जो कि एक रिएक्शन को करने में मदद देता है, जिससे वो रिएक्शन करवाता है या रिएक्शन को तेज़ करवाता है, पर उसके अंदर वो खुद क्या नाम है अपना केमिकल नहीं छोड़ता, बल्कि वो दूर से आके उन दोनों का रिएक्शन करा देगा, पर वो अपना हिस्सा उसके अंदर नहीं डालेगा। जिस तरह आप एंजाइम्स, आगे एक पूरा पूरा चैप्टर है इसका एंजाइम्स का, आप देख सकते हैं लाइक दीज। ये दो केमिकल रिएक्शन है जिन्होंने इस तरह ये जो है ना भाग खुले हुए होते हैं, इनके अंदर केमिकल जो कंपाउंड होते हैं वो आके इंटर हो जाते हैं और इन दोनों का आपस में रिएक्शन करा देते हैं, फिर वो जो है वो दोबारा अलग हो जाता है। देखें इस तरह अलग हो जाता है, ये दोनों कंबाइन होते हैं, कंबाइन रिएक्शन हो जाता है, वो उन दोनों का आपस में रिएक्शन हो जाता है, ये दोबारा खाली हो जाता है, दोबारा खाली होता है, दोबारा इसके अंदर आते हैं सब्सट्रैक्ट आते हैं और फिर दोबारा ये जो है एंजाइम केमिकल रिएक्शन कराता है। तो लाइसोसोम जब फॉर्मेट होता है कहाँ, गॉल्जी बॉडीज़ में होता है, जहाँ से जो है पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम पोटेंशियली डाइजेस्ट सेल, यानी कि वो सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं। इसके अंदर जो है स्ट्रक्चर, इसी अंदर जो सेल का स्ट्रक्चर और फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जिससे वो अपने डाइजेशन कराता है। तो ये था लाइसोसोम्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी कि बहुत छोटी छोटी माइक्रोट्यूब्यूल्स, ट्यूब्स पता है आपको, नालियाँ कहते हैं, और माइक्रो यानी कि जो आप माइक्रोस्कोप से देखें वो। प्रोकैरियोट्स के अंदर तो वो क्या नाम है एब्सेंट ही होती हैं, यूकैरियोट के अंदर वो प्रेजेंट होती हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।